आज हम टमाटर केचप बनाएंगे, जिसे आप पकोड़े, समोसे, कचौड़ी या किसी भी स्नैक्स के साथ खाना पसंद करते हैं। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल शिवानी बेजल रेसिपीज को। मेरी रेसिपी देखने के लिए बेल बटन पर क्लिक करें। ये मैंने 1 किलो लाल लाल टमाटर लिए हैं। केचप के लिए हमेशा इसी तरह के लाल लाल टमाटर लेने हैं। साथ ही मैंने ये 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। इसमें मैंने लहसुन प्याज का यूज़ नहीं किया है। अगर आप प्याज लहसुन खाते हैं तो इसमें 1 प्याज और 4-5 लहसुन की कलियां और भी डाल सकते हैं। सबसे पहले हम टमाटर को कट करेंगे। इसका टॉप पार्ट हम हटा देंगे, इस तरीके से इसे हम हटा देंगे। फिर बीच में से कट करेंगे और छोटे छोटे पीसों में हम कट कर लेंगे। इस तरीके से हम इसके छोटे छोटे पीस कर लेंगे, क्योंकि हम केचप बना रहे हैं ना, इसलिए इसके छोटे छोटे पीस कर लेंगे, जिससे इजीली गल जाएंगे। तो टमाटर का आपने ये टॉप पार्ट ज़रूर हटा देना है, क्योंकि ये पार्ट हमने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। और हमेशा जब भी टमाटर लें, लाल टमाटर लें, तो हमारा केचप भी लाल लाल ही बनेगा। और इसे पीसेस में हम कट कर लेंगे। इसी तरह से मैं सारे पीसों को कट करूंगी। ये मैंने जो 1 किलो टमाटर लिए थे केचप के लिए, उन सभी को पीसेस में, इस तरह के पीसेस में कट कर लिया है। साथ ही ये मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया था, इसे भी छील कर पीसों में कट कर लिया है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। गैस पर हमने पैन रख दिया है। अब जो हमने टमाटर लिए थे ना, वो हम इसमें डालेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच नमक, और इसके अंदर हम 1/4 चम्मच गरम मसाला डालेंगे। इसके अंदर मैंने कोई मसाले की पोटली नहीं बनाई है, वो नहीं डाला है, क्योंकि मैं इसे बाद में छानूंगी तो मसाला इसी तरह से इसमें मिक्स हो जाएगा। आपने बहुत ही सिंपल तरीके से इसी तरह डाल देना है। नमक और गरम मसाला हम इसमें मिक्स कर देंगे। अब इसमें मैं 4-5 चम्मच के करीब पानी और ऐड करूंगी, जिससे हमारे टमाटर गल जाएं। बस बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालूंगी, मैंने इसमें 4-5 चम्मच पानी ऐड करा है। अब इसमें मैं वो अदरक जो मैंने काट कर रखी थी ना, वो भी ऐड कर दूंगी, और इसे भी हल्का सा इसे इस तरह से मिक्स कर दूंगी। अब इसे ढककर मीडियम फ्लेम पर मैं 5 से 7 मिनट पकाऊंगी, और फिर चेक करूंगी कि टमाटर गले हैं कि नहीं। अब हम टमाटर चेक करेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, टमाटर को चेक कर लेते हैं। टमाटर हल्के हल्के से दबने लगे हैं। अभी हम इसे 5 मिनट और पकाएंगे, जिससे पूरी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। सॉफ्ट तो अब भी हो गए हैं, लेकिन अभी इतने सॉफ्ट नहीं हुए हैं कि पूरी तरह हमें गले महसूस हों। कुछ टमाटर थोड़े हार्ड भी हैं, तो मैं इसे 5 मिनट और पकाऊंगी, उसके बाद हम चेक करेंगे। तो अब मैं फिर से इसे ढक देती हूँ और 5 मिनट के लिए और छोड़ देती हूँ। 5 मिनट हो चुके हैं, अब इसे फिर से चेक करते हैं। टमाटर हमारे पूरी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं, ये देख रहे हैं आप। मैं टमाटरों को दबा रही हूँ तो ये अच्छी तरह से दब रहे हैं। इट मीन्स हमारे टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। बस इस समय पर हम गैस को ऑफ करेंगे और ठंडा होने के बाद इसे पीसेंगे। मैंने इसे सिर्फ 10 मिनट ही पकाया है, उसमें ये पूरी तरह सॉफ्ट हो गए हैं। अब गैस को मैं ऑफ करूंगी और टमाटर को ठंडा होने के बाद मिक्सी में पीसूंगी। टमाटर ठंडे हो चुके हैं, अब इनको मैं पीस लूंगी। मैंने एक बाउल लिया है, इस पर मैं रखूंगी छलनी। जो मैंने टमाटर पीस कर तैयार किए हैं उसे डालूंगी, और चम्मच की सहायता से इस तरीके से मैं छानूंगी। अब छलनी में बस टमाटर के बीज रह गए हैं, बाकी सारा पल्प बाउल में आ गया है। मैंने गैस पर एक कढ़ाई रख ली है। अब इसमें जो टमाटर का पल्प है ना, उसे डालूंगी, और इसमें डालूंगी 1/4 चम्मच काला नमक, क्योंकि इसमें हमने सफ़ेद नमक बॉईल करते समय डाल दिया था। साथ ही डालूंगी 1/2 कप चीनी, जो कि लगभग 100 ग्राम के करीब है। चीनी आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे स्लो मीडियम गैस पर लगातार चलाते हुए पकाएंगे, जब तक कि चीनी मेल्ट ना हो जाए। अब इसमें डालूंगी 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जो तीखा नहीं होता और जिससे कलर बहुत अच्छा आता है। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें 2 चम्मच वाइट विनेगर डालेंगे। यह वही वाइट विनेगर है जिसे हम चाइनीज फूड में यूज करते हैं। अब इसे थोड़ा और पकाएंगे। अब सॉस गाढ़ी होने लगी है,
अब इसे चेक करेंगे कि सॉस तैयार हुई है या नहीं, तो इसे प्लेट पर डालेंगे। अब इसे इस तरीके से गिरा कर देखते हैं। इसमें से अभी पानी नीचे की तरफ आ रहा है, तो अभी यह पूरी तरह पकी नहीं है। अब इसे थोड़ा और पकाएंगे। चलिए फिर से चेक कर लेते हैं। हमने इसे फिर से प्लेट पर डाल दिया है। इस समय पर आप देख रहे हैं ना, इसमें से बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा है। इट मीन्स हमारी केचप बिल्कुल तैयार हो गई है। अब मैं आपको सर्व करके दिखाऊंगी। देखा आपने कितनी आसानी से कितनी बढ़िया टमाटर केचप बनकर तैयार हुई है। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।